तो दोस्तों Realme ने आज अपना मच अवेटेड स्मार्टफोन Realme GT Neo 3 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये काफ़ी अग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च होगा, बट ऐसा नहीं है, ये थोड़ी ओवर प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है। मुझे पर्सनली इसकी प्राइस थोड़ी सी अधिक लग रही है। अगर आप लोग इस फोन को लेने की सोच रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में इस फोन के सभी कन्फर्मेशन स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में दोस्तों ये भी बात करेंगे कि यहाँ पे हमें कौन कौन से बैंक के ऊपर ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं, कितने का कैशबैक मिल रहा है, इसका फर्स्ट सेल कब से स्टार्ट होगा और क्या हमें इस फोन को लेना चाहिए या फिर नहीं। इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। सो हाय गाइज, मैं हूँ अविनाश, टेक केयर वी के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमें 6.7 इंच का FHD प्लस E4 OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड HDR 10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे बहुत अच्छा है। सामने की तरफ यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की साइड यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए, 50+8+2 का सेटअप देखने को मिलता है। जो मेन सेंसर है वो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि सोनी का IMX766 का सेंसर है, और यहाँ पे OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। दूसरे सेंसर के बारे में बात करें तो ये 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है। एंड तीसरे सेंसर के बारे में बात करें तो ये 2 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं, जो कि एक माइक्रो सेंसर है। तो कैमरा अलाइनमेंट यहाँ पे डिसेंट रखा गया है, मैं बहुत अच्छा भी नहीं कह रहा ना ही खराब कह रहा हूँ, क्योंकि जो प्राइस रखी गई है उसके हिसाब से यहाँ पे 2 MP का सेंसर होना नहीं चाहिए था, एटलीस्ट 5 MP का माइक्रो सेंसर यहाँ पे रहता तो और ज़्यादा अच्छा रहता। अब गाइज अगर बात करते हैं इस फोन के बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में, तो यहाँ पे 2 मॉडल लॉन्च किए गए हैं। एक में 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पे 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड दूसरे में 4500 mAh की बैटरी दी गई है और वहाँ पे 150W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। वैसे दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गैज ये फोन टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट दिया गया है। जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है दोस्तों, इससे आप हार्ट रेट को भी मॉनिटर कर पाओगे। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ 2 स्पीकर भी दिए गए, मतलब स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलता है। सेकेंडरी माइक्रोफोन भी दिया गया है और NFC का भी सपोर्ट दिया गया है। हैप्टिक के लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस लाइनर मोटर भी दिया गया है, गेमिंग करते वक्त या फिर हैवी यूसेज के दौरान फोन गर्म ना हो इसके लिए यहाँ पे वाइपर कूलिंग चैम्बर भी लगाया गया है, जो कि आपके फोन को ठंडा रखने का काम करेगी। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 12 के ऊपर आता है और रियलमी UI 3.0 के ऊपर रन करता है। गाइज इसे 3 कलर में लॉन्च किया गया है, यहाँ पे 8.2 mm का थिकनेस देखने को मिलता है और 188 ग्राम इस फोन का वेट है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 8100 वाला चिपसेट दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है एंड 3.2 GHz की क्लॉक स्पीड पे रन करता है। तो यहाँ पे गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे गाइज LPDDR5 रैम एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप भी दिया गया है। तो गाइज यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। तो गाइज इसे 8GB 128GB 8GB 256GB एंड 12GB 256GB के 3 वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB, इसकी प्राइस 36,999 रुपीज़ रखी गई है। सेकंड मॉडल को 13,999 रुपीज़ में लॉन्च किया गया, एंड जो थर्ड मॉडल है इसकी प्राइस 42,999 रुपीज़ रखी गई है। मतलब 37, 40 एंड 43 हज़ार रुपये का ये फोन लॉन्च हुआ है। वैसे एक चीज़ बोलना भूल गया, जो 150W वाला वेरिएंट है वही 12GB 256GB के मॉडल में लॉन्च किया गया है, और ये सिंगल एक ही मॉडल में लॉन्च हुआ है, जिसकी प्राइस 43,000 रखी गई है। तो गाइज यही इन सभी मॉडल की ऑफिशियल प्राइस है। तो प्राइस मेरे को उतनी अच्छी नहीं लगी, थोड़ी सी ओवर प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑफर्स बहुत तगड़े वाले देखने को मिलते हैं। गाइज अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है तो आपको 7000 रुपये का कैशबैक मिलेगा यहाँ पे। तब आप इस फोन के बेस वाले मॉडल को अंडर 30,000 में ही परचेज कर सकते हो, और सेकंड मॉडल 32,000 में मिल जाएगा, एंड जो थर्ड मॉडल है वो आपको 36,000 में मिल जाएगा। तो गाइज मैं इतना ही कहूँगा, अगर आपके पास SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है तभी आप इस फोन को लीजिए, नहीं तो इस फोन को भूल जाइए, मत लीजिए, ओवर प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है। गाइज 4 मई को फ्लिपकार्ट के ऊपर 12 बजे दिन से इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट हो जाएगा, आप चाहें तो उस दिन जाके इस फोन को ऑर्डर कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आती है डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।